विवाह उत्सव की वर्षगांठ के फलस्वरूप राधा रसामृत चर्चा नागपुर के इस गुप्त वृंदावन में हम आप सबके मध्य में प्रकट हो रही है, यह हमारा परम सौभाग्य है। आज हमारे लाल जी के ब्याह की वर्षगांठ है। बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे ठाकुर जी ब्याहे थे आए हैं। 4 वर्ष के लाला हैं, लेकिन ब्याह है गयो है। और हमारी श्यामा जू किशोरी जू जो कि नागपुर में श्री राधा निवास जहां पर वर्षों से वृंदावन को प्रकट कर रही हैं, और ऐसा भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कितने जनों को तो श्री किशोरी जी ने नागपुर बुलाकर के वृंदावन रस दिया है। जो वृंदावन जाकर के नहीं पाया, कईयों ने तो वो नागपुर आके पाया। ऐसे नागपुर में विराजमान हमारी श्यामा जी, और ये नागपुर तो हम सबके लिए है, उनके लिए तो ये प्रकट अप्रकट वृंदावन ही विराजमान है। उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में पिछले साल भी यहां पर ये मंगल उत्सव हुआ, ब्रज चर्चा, ब्रज रस चर्चा, किशोरी जी की मंगल चर्चा हम आप सबने श्रवण की, और इस वर्ष भी वही चर्चा श्रवणार्थ हम आप सब बैठे हैं। आज लाल जी का ब्याह उत्सव ब्याहुला सुबह राधा निवास में सुसंपन्न हुआ, उसकी वर्षगांठ हुई, और वर्षगांठ में जो वास्तविक वर्षगांठ होनी चाहिए वैसी हुई। कैसी? एक वर्ष जब होते हैं ब्याह को तो प्रियतम और प्रियतमा आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करते हैं। सारे दोष दुर्गुण आदि सबको विचार ना करते हुए अपना प्रेम उद्गार सुनाते हैं कि एक वर्ष से आप हमारे संग हो, आपके आने से हमें क्या क्या लाभ हुए। ये सब पति पत्नी आपस में चर्चा करते हैं, और आपस में ना भी करते हो तो सब जो लोग भी बधाई देने आते हैं कि भैया आपको वर्षगांठ की बधाई हो, कैसा रहा आपका एक वर्ष बीत गया, तो सब बताते हैं, बोले भैया जब से ये आई हैं तब से हमारे अंदर ये लाभ आया, ये बढ़िया हुआ है, ऐसा ऐसा। आज वही सब हुआ। सुबह षोडश गीत के माध्यम से श्री किशोरी जी ठाकुर जी के प्रेम उद्गार प्रकट कर रही हैं, और ठाकुर जी नहले पर दहला दे रहे हैं। किशोरी जी यदि एक सूक्ष्म भाव कहें तो ठाकुर जी उससे उचित। देखो प्रेम का कितना सुंदर स्वरूप। संसार के लोगों के अंदर एक स्वभाव होता है कि सामने वाले ने मेरी प्रशंसा की तो ठीक है, इसने ज्यादा कर दी, इससे थोड़ी कम इसकी मैं करूंगा। अगर इसने मेरी बहुत प्रशंसा की है तो उससे थोड़ी कम मैं उसकी करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। ये मानवीय स्वभाव है। लेकिन प्रेम का स्वभाव श्री किशोरी जी और ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं कि किशोरी जी यदि कुछ भाव कह रहे हैं तो ठाकुर जी अगले पंक्ति में, अगले पद में इंतजार कर रहे हैं, हमें बोलने को मौका दो, आपसे ऊंचो भाव कहेंगे। एक दूसरे को महान बता रहे हैं, एक दूसरे को श्रेष्ठ बता रहे हैं। प्रेम में अपने सुख का विचार तो है ही नहीं ना। प्रेम में तो जो हमारे तत् सुखे सुखित्वम, हमारा प्रेमी जिसमें सुखी। अच्छा देखो, गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और श्री कृष्ण किशोरी जी का प्रेम, दोनों में अंतर है। ठाकुर जी और गोपियों के प्रेम के बीच में भाव ऐसा है कि ठाकुर जी को जो रुचिकर लगे वो गोपियों को लगना चाहिए। गोपियां कहती हैं यदि आपको हमको रुलाने से यदि आपको आनंद आता है तो हम रोएंगे, आप सुखी रहो बस। लेकिन किशोरी जी और ठाकुर जी के प्रेम में क्या है, बोले जिससे किशोरी जी रीजे हम वो क्रिया करें, और किशोरी जी का भी यही भाव, जिससे ठाकुर जी रीजे हम वो लीला करें। जिसमें श्याम सुंदर प्रसन्न है उसमें किशोरी जी प्रसन्न, और जिसमें किशोरी जी को सुख लगे वहां में ठाकुर जी प्रसन्न। गोवर्धन
गोवर्धन लीला कल भी मैंने सुनाई थी कथा के प्रारंभ में, उसमें भी प्रधानता यही थी कि श्री जी के दर्शन के हित के लिए ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गोवर्धन नाथ को धारण किया। हमारे ब्रज वृंदावन में निकुंज, कुंज निकुंज और निभृत निकुंज, 3 लीलाएं हैं। कुंज लीला वो है जो अधिकतर कथाओं में सब जगह सुनाई जाती है, सब लोग सुनते हैं, कुंज में सबका प्रवेश है, पर निकुंज में सबका प्रवेश नहीं है। निकुंज में श्याम सुंदर किशोरी जी, सखियां और सखा, पर निभृत निकुंज में तो केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी और जिसको वो चाहे उसको प्रवेश। तो कुंज की लीला जब गोवर्धन की है तो उसमें सब ब्रजवासी हैं, ठाकुर जी भी हैं, किशोरी जी भी हैं, पर निकुंज की लीला में जब गोवर्धन नाथ को धारण कर रहे हैं तो वहां पर केवल किशोरी जी, ठाकुर जी और अष्ट सखियां हैं और 2-4 सखा हो रहे हैं जो रो रो के बेचारे आ गए भीतर, ठाकुर जी हम ले चलो, हमें क्यों छोड़ जा रहे हो। लेकिन निभृत निकुंज में केवल श्यामा श्याम और कोई नहीं, वह भी गोवर्धन लीला में हुआ है कि जहां कोई भी नहीं था, अकेले ठाकुर जी खड़े और सामने अकेली श्री जी खड़ी है। और ये लीला इतनी अद्भुत संपादित हुई, एक चंद्रावली नाम की गोपी है। तो ठाकुर जी तो ऐसे हैं कि ठाकुर जी सबको सुख देते हैं, जितनी भी गोपियां हैं, चाहे वो ललिता विशाखा भले ही मुंह पे खूब गारी गलौज होती हो, एक दूसरे को मारपीट करवे को भाव रखते हो, लेकिन एकांत में ठाकुर जी उनको भी सुख देने जाते हैं। अब लोग इसमें मन में विचार कर सकते हैं कि ठाकुर जी सबको सुख क्यों देते हैं। वो सबको सुख इस भाव से नहीं देते कि वो सुंदर है या उसका गुण अच्छा है या उसका भाव अच्छा है। ठाकुर जी को ये भाव लगता है कि ये ललिता है, ये विशाखा है, ये चंद्रावली है, आदि आदि सखियां हैं, किसी ना किसी रूप में श्री जी के समीप रहती है, ये ठाकुर जी के चरण स्पर्श करती है, ये किशोरी जी के चवरण डोराती है, ये किशोरी जी का श्रृंगार करती है। इस बात से ठाकुर जी रीझ के उनको भी सुख देने जाते हैं, उनके संग भी लीला करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उनका श्री जी से संबंध है। श्री जी के सन्मुख तो ठाकुर जी नहीं करते, लेकिन एकांत में कभी कोई गोपी कहे कि मेरे घर भी नेक प्रसाद पा जाओ, नेक मोकू भी सेवा को अवसर प्रदान करो, मैं भी आपके चरणन में कुमकुम लगाऊं, मैं भी आपको इत्र अर्पित करूं, मैं भी आपको श्रृंगार करूं, तो ठाकुर जी कभी कभी समय मिलने पर गोपियों के पास भी सुख देने जाते हैं। ये देखो, अब आपको पहले ही बताऊं, ये निभृत निकुंज की लीला है, इसलिए संशय हृदय में उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी की लीला पर कभी संशय मत कर, आपको अपराध नहीं लगेगा, बताने वाले को अपराध लगेगा, इसलिए मैं बहुत डर डर के सुना रहा हूं। निभृत निकुंज में एक दिन चंद्रावली ने ठाकुर जी को आमंत्रित किया, तो श्री जी के सामने तो लाल जी इशारों कर रहे, बोले ये चली जाएंगे तब आएंगे। श्री जी चली गई, सब सखियां चली गई, चंद्रावली अपने घर को गई, बढ़िया भोजन थाल तैयार कियो, बढ़िया सुंदर कुमकुम केसर ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए तैयार कियो। पदरामनी ठाकुर जी की रहने वाली चंद्रावली के यहां, ठाकुर जी जैसे ही भीतर पहुंचे, खूब सुंदर अपने हाथन से प्रसाद पवायो, पंखा जल रही है, ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही है, चरणन में कुमकुम लगा रही है, केसर चंदन लगा रही है। इतने में ही श्री जी को ठाकुर जी की याद आ गई, और निभृत निकुंज को ऐसा भाव है कि अगर यशोदा के बगल में भी ठाकुर जी पौड़े हैं और अर्धरात्रि में भी श्री जी को स्मरण है जाए, ठाकुर जी दौड़ के भागे, मैया के बगल में तकिया धर जाए, बोले कि सुबह उठेगी तो कहीं डांटे नहीं, और श्री जी बुला रही है, मुंह को जानो तो पड़ेगा। अब ये निभृत निकुंज की लीला है, सबको बताने वाली नहीं है, लेकिन यहां सब अधिकारी बैठे हैं इसलिए सुना रहा हूं। यहां चंद्रावली ठाकुर जी की सेवा कर रही है, अपने हाथों से प्रसाद पवा रही है, पंखा चल रही है, चरणों में केसर चंदन लगा रही है, और चंद्रावली का जो प्रिय इत्र है वो ठाकुर जी को अर्पित कर रही है। और इतने में ही श्री जी ने ठाकुर जी को याद कर लिया,
जैसे श्री जी स्मरण करते हैं ना ठाकुर जी, लोग कहते हैं हिचकी आती है, लेकिन हमारे श्याम सुंदर के रोए खड़े होते हैं तो समझ जाते हैं श्री जी बुला रहे हैं। ठाकुर जी विचलित हो गए। चंद्रावली बोली, कहां भयो? बोले श्री जी बुला रही हैं, श्री जी को याद आ रही है। अच्छा, स्मृति भी एक प्रकार की वेदना है। हम किसी का स्मरण करें वह भी तो एक वेदना होती है ना, एक कष्ट होता है। उस समय लगता है कि जिसको हम स्मरण कर रहे हैं वो सामने तत्क्षण आ जाए। इतनी भी वेदना श्री जी को हो, ये श्याम सुंदर को प्रिय नहीं है। ठाकुर जी बोले, चंद्रावली मुझको जानो पड़ेगा। चंद्रावली बोली, बोले मरोगे क्यों? कुमकुम केसर लगो है और मेरो इत्र लगो है, श्री जी मेरे इत्र की सुगंध जाने, यदि उनको पता चल गई तुम यहां से गए हो, बहुत मारेंगी, आज रूट के बैठ जाएंगे, बड़ो मान करेंगी। ठाकुर जी बोले, अब जो होगा सो देखेंगे, अब तो हमें दौड़न दो। ठाकुर जी दौड़ करके और महाराज जा रहे हैं गिरिराज पर्वत। ये श्री गिरिवर पर्वत जो है ना, ये निभृत निकुंज का एकांतिक ठाकुर जी का कुंज है, यहीं पर लीला करते हैं श्याम सुंदर और ठाकुर जी श्री जी। अब जो हम गिरिराज जी का दर्शन करते हैं, ये तो बेचारे अब बहुत छोटे रोज तिल भर पृथ्वी में जा रहे हैं, नहीं तो सघन कुंज के गिरिराज जी का वर्णन आप कभी गर्ग संहिता में पढ़िएगा। गिरिराज जी में कितने सुंदर सुंदर गुफाएं हैं, कुंज हैं, लता गुल्म हैं, झरने हैं, सब विद्यमान है। क्योंकि श्री जी को सुख देने के लिए श्री गोवर्धन नाथ है। बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी दौड़े और जैसे ही ठाकुर जी दौड़े गिरिराज पर्वत के ऊपर है के देखो, श्री जी ऊपर खड़ी हैं। इतने में श्री जी को सुगंधी आने लगी और सुगंधी तो आई आई, चंदन केसर लगे भाई चरणन में छापे और पड़ गए गिरिराज जी पे। और वर्णन आता है ठाकुर जी दो पांव से नहीं दौड़े हैं, शीघ्र पहुंचने के लिए जैसे बंदर चार पावन से दौड़े, ऐसे ठाकुर जी दो चरण और दो हाथन से दौड़ रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखी तो पूरे गिरिराज पर्वत पर वो चंदन चिन्ह अंकित तो हो गए, इत्र की सुगंधी आ रही थी। ठाकुर जी बोले, आज तो श्री जी बड़ो मान करेंगी, और बड़ो मान जब करें तब तो बहुत मुश्किल होवे रे जावे में। तब ठाकुर जी ने इंद्र को इशारा किया, हे इंद्र जल्दी सफाई कर, श्री जी आवे वारी हैं, श्री जी कहीं आ गई और आकर के उनने चंदन छापे देख लिया हमारी इत्र की सुगंधी, अगर उनको आ गई तो आज बड़ो मान करेंगी, इंद्र हमारी लाज बचा। इतने में ही गड़गड़ करके काले काले बादल आ गए, आकर के गोवर्धन पर्वत के ऊपर रिमझिम वर्षा होने लगी। रिमझिम तो काम ना चले, जोर की वर्षा कर। जैसे ही जोर की बारिश भई, ठाकुर जी के चरण चिन्हों को मिटाने के लिए, इतने में ही श्री जी का वहां आगमन हुआ। अब श्री जी जैसे आई, ऊपर से वर्षा गिर रही थी, ठाकुर जी बोले, अरे ये बिंदु श्री जी को श्रम देंगे। इतने में ही अपने चरण चिन्ह छुपावे को, अपने जो लीला है वाकू प्रकट श्री जी के सामने ना हो वाके लिए, ठाकुर जी ने श्री जी के श्रम को दूर करने के लिए अपने बाम हस्त के कन्य उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो और एक भुजा से श्री जी के गले में गलवियां डाल करके खड़े हो गए। ये निभृत निकुंज का गिरिवर धारण लीला है। अब वहां श्री जी करें कहां गए, वो कहीं ना, अब तो कछु पता ही ना चलेगी, क्योंकि चिन्ह विन्ह सब धुल गए, सब मिट गए, ऊपर से गिरिराज जी पर इतनी वर्षा भैया, अब श्री जी को कहां पता चलेगी। तो ऐसे श्याम सुंदर ये गोवर्धन धारण लीला में अधिकतर भाव श्री जी की प्रसन्नता है। तो कल जो हमने सुने थे वो निकुंज की गोवर्धन धारण लीला थी, आज जो हमने सुनी है ये आज की निभृत निकुंज में गोवर्धन धारण लीला है। दोनों में श्री जी को सुख देने के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, इसीलिए हमारे प्यारे हृदय के ठाकुर श्री गिरधर लाल है। ये श्री जी को सुख देवे के काजे ही ऐसे खड़े हैं, इसलिए इनको नाम ही श्रीनाथ है। श्री यानी श्री राधा, उनके जो नाथ हैं वही श्रीनाथ। अभी हम लोगों का प्रवेश कुंज में है। भक्ति भाव और इन रसिक जनों की वाणी सुनकर के
बंधुओं अपने चित्त में अपने हृदय में श्री जी और ठाकुर जी की लीला को स्मरण करना चाहिए और उससे प्रयास करना चाहिए। कुंज से धीरे धीरे हम निकुंज में जाएं और निकुंज से धीरे धीरे निवृत्त निकुंज की प्राप्ति हो। निवृत्त निकुंज क्या है? निवृत्त निकुंज में केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी हैं और कोई नहीं है। हमारे वृंदावन में कहते हैं कि वृंदावन में जो प्राण त्याग देता है ना, उसको स्वर्ग नरक और वैकुंठ गोलोक ये सब नहीं मिलते। तो बोले वृंदावन में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति अप्रकट वृंदावन में प्रवेश कर जाता है। अप्रकट वृंदावन का रूप सुनो, कैसा रूप है अप्रकट वृंदावन का? अभी जो वृंदावन आप देख रहे हो ऐसा ही है अप्रकट वृंदावन। बस अप्रकट वृंदावन में यह है कि श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी मंदिरन में ना बैठे, बाहर डोल रहे हैं, वो लीला करते हुए घूम रहे हैं। रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री मधुसूदन पाद सरस्वती, ये सब लोग उस वृंदावन निवृत्त उस अप्रकट वृंदावन में विचरण करते हैं। इसलिए हमारे यहां ब्रज में अब तो ऐसा नहीं है, पर हमने रसिक जनों से सुना है कि प्राचीन वृंदावन में जब किसी व्यक्ति के प्राण छूट जाते थे तो वृंदावन के ब्रजवासी मृदंग और साजवाज लेकर के यमुना तट पर जाते थे और वहां जब अंत्येष्टि संस्कार चलता था ना, उतनी देर पद गायन करते थे। बहुत सुंदर पद है, हरिदासी परंपरा के लोग आसावरी राग में इस पद का गायन करते हैं। ये पद एक पंक्ति बताने के लिए ही गा रहा हूं, लेकिन अब इतना सुंदर पद है, एकाध पंक्ति क्यों ही, पूरा पद सुनो, कितना सुंदर भाव है। हमारे वृंदावन में जब किसी के प्राण छूट जाते हैं, अच्छा एक और बात, कोई योग्य व्यक्ति के प्राण छूटे उसी के लिए पद गाया जाएगा, ऐसा नहीं। वृंदावन किंचित मात्र कोई उसके अंदर गुण ना हो, बिल्कुल वैष्णव भाव से इतर हो, लेकिन वृंदावन में प्राण त्यागे तो वो सौभाग्यशाली है। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो व्यक्ति चला गया, सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, लेकिन सब रसिक जन कहते हैं शोक संताप करो मत कोई।
ये पद आज भी गाया जाता है यदि कोई रसिक वृंदावन में प्राण त्याग दे, पर प्राचीन काल में सबके लिए गाया जाता था। इतना सुंदर भाव इस पद में कहते हैं, आई मिलो परिवार आपनो। रसिक जन कहते हैं, बोले आज अपने असली परिवार से मिला है। बोले कौन? बोले वृंदावन में प्राण त्याग के अप्रकट वृंदावन में चला गया ना, आज जितने संबंधी इसके यहाँ हैं, भाई बहन चाचा ताऊ आदि जो भी इसके संबंधी हैं, ये सब संबंधों में अब सब रसिक जन इसके संबंधी हो गए। वृंदावन में प्राण त्यागने के बाद जब अप्रकट वृंदावन में वो जीवात्मा जाती है तो वहां पर उसका स्वागत कौन करते हैं? श्री स्वामी हरदास जी महाराज, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, यही सब उससे अपने अपने संबंध बनाए। अच्छा क्यों रो रहा है? पिताजी की याद आ रही, चल आज से हम तेरे पिताजी। किसकी याद आ रही है? बोले कि माँ। अच्छा आज से ये तुम्हारी माता जी। वास्तव में वे सब रसिक जन ही उसको अपना परिवार ही बना लेते हैं। और श्यामा श्याम जो बिहरत दो, इतना सुंदर भाव है कि वृंदावन में जब कोई व्यक्ति प्राण त्याग देता है तो उसके संबंधियों को उसके असली परिवार से कौन मिलवाता है? बोले श्यामा श्याम ही मिलवाते हैं। श्यामा श्याम जो बिहरत दो सखी समाज मिलायो। जैसे यहां दोनों युगल सरकार गलवैया डाले हैं, ऐसे ही दोनों के बीच में वह वृंदावन से प्राण त्यागने वाले वह जीवात्मा को दोनों अपने बीच में रख लें। एक तरफ से किशोरी जी गले में गलवैया डालें, दूसरे तरफ से ठाकुर जी डालें, और फिर वाकू सब सखी समाज। सखी समाज मतलब सब वैष्णवाचार्य जो जो वृंदावन से प्रस्थान करके उस अप्रकट वृंदावन में गए हैं उनसे परिचय दोनों करवाते हैं। जैसे हॉस्टल में आने वाले बच्चे को जो हॉस्टल के टीचर होते हैं वो बाकी के बच्चों से मिलाते हैं ना, ऐसे ही अप्रकट वृंदावन में दोनों युगल सरकार उस जीवात्मा को कष्ट ना हो इसलिए सबसे मिला। वैसे कष्ट होगा क्यों? इस संसार को छोड़ करके कोई युगल जहां विराजे हो वहां और रसिक जनों के बीच में पहुंचा, उसको श्रम होगा क्या? उसको कष्ट होगा क्या? इसलिए भैया वृंदावन के रसिक जन कहते हैं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। अच्छा देखो, इन पदों को आप साधारण शब्द मत समझो, बड़े बड़े इनमें रहस्य छुपे हैं। अब यहां से ये नहीं कहा कि भैया भाग्य बड़ो जो यानी वृंदावन ते प्राण त्यागे, वो कह रहे हैं भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, मतलब वास्तविक वृंदावन पाना तो वृंदावन में अंतिम श्वास लेना ही है। असली वृंदावन तो वही है, तभी मानो जब वृंदावन में प्राण छूटे। कभी कभी ऐसा मन में भाव आता है, जन्म बड़ा दुर्लभ है वृंदावन में, पर जन्म से भी दुर्लभ मृत्यु है वृंदावन में। वृंदावन की रज में लीन हो जाएं, श्री यमुना पुलिन पर बहुत भाव आते हैं। वृंदावन इज इक्वल टू श्री जी, श्री जी और वृंदावन दोनों में कोई भेद नहीं है। हमारो श्री वृंदावन स्वयं श्री जी ही है। कल हम और सर्वेश भैया बात कर रहे तो मन में भाव आयो, मैंने कि भैया हमारे वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी सबके दर्शन है। किशोरी जी कहाँ हैं? मंदिरन में ठाकुर जी बैठे हैं। लाडली जी कहाँ हैं? मैंने कहा लाडली जी तो विचरण कर रही हैं, वृंदावन में सदा विहार करती रहती हैं। और ऐसा भी होता है ना कि कोई जब व्यक्ति बहुत कार्य होते हैं तो वो अपना एक प्रतिनिधि छोड़ देता है। हम आपसे मिल जाएंगे, बोले मैं तो मिलूंगा नहीं, मेरा प्रतिनिधि मिल जाएगा, मेरा पीए मिल जाएगा। तो ऐसे ही वृंदावन जाते हैं तो किशोरी जी के प्रतिनिधि के रूप में बिहारी जी मिलते हैं।
प्रतिनिधि हैं श्री राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, ये सब प्रतिनिधि हैं हमारी श्यामाजू के। श्यामाजू कहाँ हैं? अरे भैया, सामान्य कितने लोग वृंदावन जाते हैं, सबसे थोड़ी श्यामाजू मिलेंगी। श्यामाजू तो उन सब रसिक जन के ध्यान, उन सब रसिक जनन के ख्याल रखवे जामे, जो अनंत दिनों से श्यामा श्याम की युगल उपासना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, परम कुटी में बैठ करके श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम की ध्वनि से अपना मंगल भाव प्रवाहित कर रहे हैं। किशोरी जी तो वहां में व्यस्त हैं, उन सबन के ध्यान धरवे में व्यस्त हैं। बाकी भीड़ इतनी वृंदावन में आ रही है, सब रसिक थोड़ी हैं, सबसे मिलवे के काजी ठाकुर जी छोड़ रखे, तुम ही मिलो। जो रसिक शिरोमणि हैं, जो रसिक श्रेणी के हैं, किशोरी जी तो उनके ध्यान में व्यस्त हैं, उनको ध्यान दर उनको ध्यान लगा रही हैं, उनको ध्यान कर रही हैं। तो ऐसी हमारी श्यामाजू और ठाकुर जी दोनों के युगल भाव को हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। और लीलाएं तो हम सुनते ही हैं, सुनेंगे। कल हमने दूध दोहन लीला सुनी, आज भी कोई लीला सुनेंगे ही। पर उससे पूर्व कुछ भाव श्री जी के उस अद्भुत रूप के बारे में हम श्रवण करें। एक बार श्री नारद जी महाराज हिमालय पर महादेव के पास गए। बहुत ध्यान से सुनना। महादेव के सन्मुख नारद जी महाराज बैठे थे। देवादिदेव महादेव अत्यंत सुख में ध्यानस्थ बैठे थे। पर जैसे ही नारद जी महाराज आए तो नारद जी को देख करके महादेव के नेत्र खुल गए और स्वागत सत्कार किया, बैठाया, बोले विराजो और कैसे हालचाल पूछे। लेकिन श्री महादेव के मुख की आकृति से नारद जी अनुमान लगा पा रहे थे कि महादेव कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ जिज्ञासा है शायद इनके हृदय में, कुछ जानने की अभिलाषा है। व्यक्ति का परिचय तीन वस्तुओं से होता है, नेत्रम वक्त्रम विकारेण। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति से मिलो, सबसे पहले उसके नेत्रों पर ध्यान लगाओ। यदि नेत्र बहुत ज्यादा चंचल हैं, बहुत जल्दी जल्दी घूम रहे हैं, कभी यहां कभी वहां, तो समझो कि इसका मन जो है वो थोड़ा सा विचलित है। दूसरा वक्त्रम, उसकी वाणी सुनो। यदि बहुत ज्यादा बोल रहा है, संसारी चर्चाओं में कुछ ज्यादा ही रुचि रख रहा है, तो समझ लेना उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। और विकारेण, चलना फिरना उठना बैठना, यदि इन सब में भी स्थिरता नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो समझ जाना कि इसका खान पान शुद्ध नहीं है। आप हमारे वृंदावन के रसिक जनों को देखो, उनके मुख की आकृति, उनके बैठने के चलने के ढंग पर ही हम लोग न्योछावर हो जाते हैं। और कई लोग हैं बड़े बड़े महापुरुष बने घूमते हैं, लेकिन उनके चेहरे की आकृति, नेत्रों का चंचलपन और वाणी की दूषितता से पता चल जाता है कि स्थिरता नहीं है हृदय में। हमसे पूछो, हम तो दुनिया भर में जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति प्रणाम जिस भाव से, जिस आकृति से वो प्रणाम करता, उससे पता चल जाती है कितने पानी में। आजकल प्रणाम की बड़ी, एक हाथ से प्रणाम, और एक हाथ से भी कई लोग चरण नहीं छूते, घुटने के ऊपर ही छू देते महाराज जी प्रणाम। तो नेत्रम वक्त्रम विकारेण, इससे पता चल जाता है। यदि कोई श्रुधि होगा, मतलब कोई विद्वान होगा, तो वो आपके नेत्रों से, वाणी से और आपके आकार विकार से पहचान जाएगा कि आप कैसे हो। नारद जी महाराज समझ गए, हे महादेव, आपके हृदय में कोई जिज्ञासा है क्या? सोचो, महादेव के हृदय में भी जिज्ञासा होती है। महादेव बोले, हाँ एक जिज्ञासा तो है। बोले, क्या जिज्ञासा है? बोले, जिज्ञासा ये है कि मैंने नारायण के खूब दर्शन किए, विष्णु रूप के दर्शन किए,
उनके विराट रूप का मैंने दर्शन किया, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप का मैंने दर्शन किया, वे मत्स्य बन के आए मैंने दर्शन किया, वे कूर्म बन के आए मैंने दर्शन किया, हर स्थिति में मैंने दर्शन किया। दर्शन का मतलब क्या होता है नारद? हृदय स्थिर हो जाना। एक बार देख लिया तो बस लगा कि अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है, ये स्थिति मेरी अभी तक नहीं आई है। मैंने अनेक रूप नारायण के देख लिए लेकिन स्थिरता अभी तक, मतलब बार बार जिज्ञासा होती है और कुछ देखूं, और अच्छा देखूं, और कुछ, एक ठौर नहीं मिली है मुझे। मेरी इच्छा है उस रूप के दर्शन करने की। कैसा रूप? तब महादेव कहते हैं, यद रूपम ते कृपा सिंधो परमानंददायकम्। मुझे उस रूप का दर्शन करना है जो परम आनंद को प्रदान करे। और स्वनिंदाश्रम नित्यम मूर्तिमन सर्वतोदिकम्। ऐसा स्वरूप जो इन सब स्वरूपों को भी अपने ऊपर न्योछावर कर लेता हो। मतलब कौन कौन से स्वरूप? चतुर्भुज रूप, विराट रूप, मत्स्य रूप, कूर्म रूप, नृसिंह रूप, ये सब भी उसके ऊपर न्योछावर हो जाते हो। निर्गुणम निष्कम्यम शांतम यद्येति विदुधा तदहं दृष्टुमिच्छामि चक्षुभ्यां परमेश्वर। निर्गुणम निष्क्रियम शांतम यद्येति विदुर्बुधा तदहं दृष्टुमिच्छामि चक्षुभ्यां परमेश्वर। मुझे ऐसे रूप का दर्शन करना है। सीधी बात, पूरा वेद क्यों सुनाऊं? शंकर जी कह रहे हैं जिसको देखने के बाद कुछ और देखने की इच्छा ही ना रहे मेरे भीतर, ऐसा रूप मुझे देखना है। नारद जी बोले, आपने ये जिज्ञासा ठाकुर जी से कही? बोले, उनसे कहने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? बोले, ये जितने रूप वो धारण करते हैं हर बार मेरे कहने पे ही तो करते हैं कि अब आपको ऐसे देखना चाहता हूं। अब वो इतने सारे रूप धारण कर चुके हैं, मुझे भी लगता है बेचारे परेशान हो जाएंगे, इसलिए मेरी इच्छा नहीं। बोले, नहीं नहीं अब चलो। तब नारद जी और शंकर जी दोनों ने जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे नाथ, हमारे महादेव कुछ जिज्ञासा कर रहे हैं। बोले, कैसी जिज्ञासा है? बोले, आपके ऐसे रूप का दर्शन करना है जिसके बाद नेत्रों को कुछ देखने की इच्छा ही ना रहे। ठाकुर जी बोले, भैया ऐसा रूप तो एक ही है, जा रूप को देख करके मैं श्याम सुंदर भी और कोई को ना देखना चाहूं वो रूप। और वो रूप कौन का है? यस्या कदापि वसनां चखलेन नो, आहा। ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं वो रूप कैसा है। आहा, आज हम थोड़े अपने रसिक जनों के भी कुछ भाव लेके आए जो वैष्णव जनों ने बताए हैं। स्वयं ठाकुर जी बता रहे हैं कि ऐसे कैसे कैसे रूप हैं जिन पर वे स्वयं न्योछावर हो जाते हैं। तब ठाकुर जी वर्णन करते हुए कहते हैं, भैया श्लोक ही चलोगो। किशोरी जी कह रही हैं, भैया हमारे रूप को वर्णन ना आ सके। जा रूप के अर्थ बता देते हैं। बोले, रूप की तो बहुत दूर की बात है महादेव, ये रूप ऐसा है कि जिनके वस्त्र को स्पर्श करके वायु भी यदि हमारा स्पर्श कर ले तो हमारो रोम रोम आनंदित है जाए। ऐसी वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी, श्री 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 राधा रानी ही ऐसी एकमात्र हैं जिनके रूप को देखकर के आपके नेत्रन को ठौर मिलेगी, आप किसी और को देख नहीं पाओगे। फिर ऐसा उनको रूप है।
वस्त्र की शोभा नहीं है, लेकिन वस्त्र जब वो धारण कर लेती हैं तो वो वस्त्र भी सुशोभित हो जाता है। इत्र की शोभा नहीं है, श्रृंगार की शोभा नहीं है, शोभा हमारी श्री जी की है। जब वो धारण कर लेती हैं तब वो वस्त्र भले ही साधारण हो, श्रृंगार साधारण हो, इत्र साधारण हो, लेकिन किशोरी जी के धारण करते उसकी उपमा अनंत हो जाती है। कहां तक कहूं महादेव, हमारे रूप तो अनेक हैं, हमारे अवतार तो अनेक हैं, लेकिन कृष्णा अवतार सर्वप्रिय इसलिए है क्योंकि श्री जी ने उसको देखा है, क्योंकि श्री जी की दृष्टि उस अवतार पर पड़ी है। हमारे उस कृष्ण रूप को भी अत्यंत शोभनीय बनाने वाली ऐसी श्री जी को जब आप देखोगे तब आपके मन को ठौर मिलेगी। महादेव घुटनों के बल बैठ गए, बोले कि कैसे होंगे उनके दर्शन। बोले उनके दर्शन के लिए वो तो बड़ी सहज हैं, बड़ी सरल हैं, कृपा करती हैं, बस पुकारना तो थोड़ा पड़ेगा ना आपको। पुकारो, आएंगी श्री जी, दर्शन देंगी हमारे। आप विश्वास माने, और कई लोग जानते भी होंगे, श्री जी का जितना गायन देवादिदेव महादेव ने किया उतना किसी ने नहीं किया। राधा कृपा कटाक्ष कौन गा रहे हैं? महादेव गा रहे हैं। राधा सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम आदि आदि कितने भावों में स्वयं श्री महादेव ही श्री जी के रूप को उजागर करते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं है। ऐसे महादेव श्री जी को पुकारते हैं, श्री जी का स्मरण करते हैं, और जब श्री जी का दर्शन उनको हुआ, इसीलिए महादेव अत्यंत रूप से जहां भी कहीं बैठे हैं तो उनके मुख की आकृति दिखाई नहीं है, लिंग के रूप में पूरे भारत में विराजमान है। क्यों? वो समाधिस्थ शिव हैं। किसकी समाधि में? बोले श्री जी की समाधि में। हमारे श्री जी के सबसे बड़े उपासक ही महादेव हैं। जब से देखी हैं वृषभानुजा तब से ही समाधिस्थ बैठे हैं, एक आकार रूप में रहते हैं और सदा भीगे देव हैं। सबसे प्रार्थना करते हैं भिगाते रहो हमको, हमारे ऊपर जल डालते रहो। मैं तो अपनी एक निज बात बताऊं, दुनिया के लोग महादेव के मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय कह के जल चढ़ाते होंगे, हम तो श्री राधा 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 ये कह करके जल चढ़ा मैं। और अपनी एक बिल्कुल वास्तविकता बताऊं, काशी में मेरी कथा थी कुछ दिनों पूर्व, तो कथा करके मैं जैसे ही वापस आने लगा, कहीं और जा रहा था कथा करने, अंतिम दिन था कथा का, कथा करके रात्रि में ट्रेन पकड़नी थी, तो हमने कि एक बार महादेव को प्रणाम करें। उस दिन पता नहीं कोई उत्सव था, जाने सोमवार था, इतनी भीड़ मंदिर में कि महाराज वीआईपी वीवीआईपी सब एक बराबर, दर्शन ही नहीं हो मैं, कभी पुलिस कहे वहां से आओ, कभी कहे वहां से आओ, इधर से आओ, और ट्रेन का समय हो रहा था। हमने कि शिखर को प्रणाम करके चले जाते हैं, भैया आप दर्शन तो भीतर होंगे नहीं, लेकिन शिखर को प्रणाम करते करते मन में भाव आ रहा हो, भूल गए वृंदावन में हम ब्रजवासी ने रोकवे तो मना कर दियो तुमको, जब महारास हो रहा था आए थे आप, तब हम ब्रजवासी ने रोक दियो, बोले बाबा पहले गोपी बनो तभी भीतर प्रवेश मिलेगो, हम ब्रजवासी ने तुमको ब्रज में प्रवेश दियो और आज हम ब्रजवासी तुम्हारे बिना दर्शन के जा रहे हैं, सत्य बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, शिकायत करूंगा तुम्हारी जाके ललता विशाखा थे, शिकायत करूंगा श्री जी थे, हम ब्रजवासी गए काशी में जाके कथा करी दर्शन करवे गए और बाबा इतना अहंकारी है, हमें दर्शन ही नहीं दे रहो, भीड़ में बैठो है, बस इतना कह करके मनी देखेंगे अब क्या आई हो तुम वृंदावन में। और जैसे ही उठ के जाने लगा इतने में ही पीछे से पुजारी जी आ रहे, तो वो एक आध दिन कथा में आए थे तो उन्होंने कथा सुन, अरे व्यास जी आप? मैंने कहा हाँ भैया, हो गई कथा? मैंने हाँ बस जा रहे हैं दर्शन। मैंने कि कहां देखो इतनी भीड़, पुलिस कह रही है वहां से आओ ट्रेन का समय। बोले अरे हाथ पकड़े सीधे महादेव के पास। जैसे ही शिकायत की बात कही कि अब आई हो वृंदावन, महाराज वीवीआईपी नेता आदियों को भी दर्शन रुक गए होंगे उस समय, हमको बुला लिया भीतर। बोले ना 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 ब्रजवासी आओ भैया, अरे सॉरी गलती क्षमा। ऐसी श्यामा जू के परम उपासक हैं, देवों के देव भी नहीं है, देवों के भी देव महादेव। वो जिन श्री जी के चरणों का स्मरण करते हैं तो सोचो श्री जी कौन है।
आजकल के लोग फालतू सिनेमा देखते हैं उसके बाद वृंदावन आते हैं। आपको श्री जी समझ आ जाएंगे, आपको ये अद्भुत प्रेम ये समझ आएगा, कभी कभी नहीं आ सकता। अद्भुत प्रेम के रस स्वरूपा हैं हमारे श्यामा जी। हमारे ब्रज में एक अद्भुत बिहारी जी के सेवक हुए, उनका नाम था श्री बिहारिन देव जी। बिहारी दास जी को प्रथम दर्शन युगल सरकार का कैसे हुआ, इसकी बड़ी अद्भुत कथा हमारे हरिदास परंपरा के वैष्णव जन सुनाते हैं। बिहरत लाल बिहारी ने दो यमुना जी के तीरे तीरे, इतना सुंदर वर्णन है, बहुत ध्यान से सुनो। हमारी सामान्य कथाओं में आने वाले लोग अगर इस कथा में आएंगे तो हो सकता है उनको एक आध बात समझ में ही नहीं आवे, महाराज जी कैसी कहां की चर्चा कर रहे हैं। भैया ये निकुंज नहीं है, ये कुंज नहीं है, ये निवृत्त निकुंज है, यहां तो अलग ही चर्चा है। श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते थे। पहले बिहारी जी गृहस्थों से सेवा नहीं करवा रहे, अभी तो सदगृहस्थ गुसाई परिवार सेवा करते हैं, पहले तो बिहारी जी सन्यासियों से और विरक्तों से सेवा करा रहे थे। तो बिहारिन देव जी बिहारिन दास जी बिहारी जी की सेवा करते थे, और सेवा करते हुए उनके मन में एक ही भाव रहता था कि हे बिहारी जी, कब मिली है वह सखी सहेली हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ये ब्रजवासी, ये बिहारिन देव जी का भाव इसलिए कि हमको प्रकट वृंदावन कब मिलेगा, जहां स्वयं श्री हरिदास जी विराज रहे हैं, जहां स्वयं आचार्य चरण विराजते हैं, उस वृंदावन का दर्शन कब होगा, जहां आप युगल स्वरूप धारण करके विचरण करते हो, जहां यमुना में जल नहीं केसर युक्त सुगंधित जल बहता है, जहां पर यमुना के तट पर रेणुका की बालू नहीं मड़ियों की बालू है, जहां पर वृंदावन में वृक्षों पर कोयल चहकती नहीं है, चिड़ियां चहकती नहीं है, श्री राधा श्री कृष्ण नाम ध्वनि प्रकट करती हैं, जहां पर जिस अप्रकट वृंदावन में रहने वाले मानवों का भोजन पानी केवल आपके दर्शन मात्र हैं, उस वृंदावन का मुझे कब आस्वादन होगा। अप्रकट वृंदावन का थोड़ा भाव समझो, अप्रकट वृंदावन में यमुना जी नहीं बहती, अप्रकट वृंदावन में सुगंधित श्री ठाकुर जी और किशोरी जी के चरणों का चरणामृत बहता है, सुगंधी आती रहती है। अप्रकट वृंदावन में श्री यमुना जी के तट की बालुका मणियों की है। अप्रकट वृंदावन में जो दर्शनार्थी भ्रमण करते हैं वो कहीं भोजन पानी करने के लिए बैठते नहीं है, उनका भोजन पानी आस्वादन सब कुछ श्री प्रियालाल जी के दर्शन है। ऊंची ऊंची अटारियों पर वैष्णव जन खड़े होकर के केवल निहारते रहते हैं कहां श्यामा श्याम की लीला चल रही है, तुरंत दौड़ करके वहां पहुंच जाते हैं और पहुंच करके ऐसे बैठते हैं कि उनको विक्षेप ना हो, केवल उनका दर्शन करना ही उनका सर्वस्व है। श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते हुए बोले, हे नाथ मुझे भी उस अप्रकट वृंदावन में ले चलो। नित्य ये प्रार्थना करते थे बिहारी जी से। एक दिन बिहारी जी ने सुन ली और श्री बिहारिन दास जी यमुना के तट पर सुबह सुबह भोर में दातुन कर रहे थे, और दातुन करते 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 सुगंधी आने लगी, रेणुका मणियों में बदल गई, यमुना जी का जल हल्का हल्का पीत वर्ण का हो गया, अद्भुत सुगंधी यमुना जल में से आने लगी, वृक्षों पर बैठे हुए पशु पक्षी सब राधा कृष्ण नाम उच्चारित करने लगे, रसिक जन दौड़ दौड़ करके ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा से घूमने लगे। इतने में ही सघन कुंज दिखाई दिया, और सघन कुंज में दोनों युगल सरकार एक दूसरे के गले में गलवैया डाले चलते हुए आ रहे हैं। ये बिहारिन दास जी को दर्शन हुआ और उन्होंने इस पद में उसका वर्णन किया। बिहरत शब्द समझिएगा,
हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, बस लेकिन आप प्रयास करना कि समझो कैसा रूप है। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे। अद्भुत अखंड मंडल भुव पर परभामिनी भुज वीरे वीरे, अद्भुत अखंड मंडल भुव पर परभामिनी भुज वीरे वीरे, तामे द्वे जलतन मुख छवि नीरे नीरे, जलतन मुख छवि नीरे नीरे, उपजत किरण कपोल विमल हसी, उपजत किरण कपोल विमल लस दस नावली हीरे हीरे, लस दस नावली हीरे हीरे। विचार करो बंधु, चिंतन करो, श्यामा श्याम एक दूसरे के गले में गलवैया डाल करके चलते हुए आ रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सूर्य की किरण पड़ने पर दोनों के मुखमंडल पर छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु हैं, मुस्कुरा रहे हैं तो गालों पर कपोल भी ऐसे चमक रहे हैं मानो दो दो चंद्रमा प्रकट हो गए हों। जब मुस्कान प्रकट हो गए तो ऐसे लगे कि मानो दांत नहीं है हीरे जैसे दान है दांत हैं दोनों युगल बिहारी के। बेहरत लाल बिहारी ने दो यमुना जी के तीरे, बिहरत लाल बिहारी ने दो यमुना जी के तीरे तीरे, कुंज गगन घन अलक बनेरी परस्पर सीरे सीरे, चलत परस्पर सीरे सीरे, लोचन चारु चर
कोरचिते हित लोचन चारुत धीर न धीर धीर विवत धीर न धीर। दोनों युगल सरकार मधुर चाल चलते हुए आ रहे हैं, तभी जोर की हवा प्यार बहे तो श्री किशोरी जी की अलकावलियां मुखमंडल पर आ जाती हैं, तो ऐसा लगता है मानो पूर्णिमा के चंद्रमा के आगे बादल आ गए हों, वह भी उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। लोचन चारु चकोर चिते हित पिबत अधीर न धीरे धीरे। किशोरी जी श्याम सुंदर को देख रही हैं, श्याम सुंदर किशोरी जी को देख रहे हैं, परंतु नेत्रों का भी एक समय होता है, नेत्रों की भी एक अवधि होती है, उससे ज्यादा देख नहीं सकते। जैसे जीव को पानी मिलने पर प्यास बुझ जाती है, ऐसी नेत्रों को भी दर्शन मिलने पर दृष्टि शांत हो जाती है, परंतु यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि जितना पानी पी रहे हैं उतनी प्यास और बढ़ रही है। ठाकुर जी जितना श्याम सुंदर जितना किशोरी जी को देख रहे हैं उतनी ज्यादा इच्छा और प्रकट हो रही है कि और देखूं। और ऐसे ही हमारे श्याम सुंदर जब किशोरी जी को देख रहे हैं तो उनकी भी उनके नेत्र और प्यासे होते जा रहे हैं किशोरी जी को देख करके। ये दृश्य श्री बिहारीन देव जी को दिख रहा है। बिहरत लाल बिहारीन दो यमुना जी के तीरे तेरे Thank you.
बिहारी दास जी की स्थिति कैसी है? नेत्रों से नेत्र मिल रहे हैं, श्री जी और श्याम सुंदर के नेत्र एक दूसरे की प्यास बुझा रहे हैं। कानों के कुंडल यहां श्री जी के, वहां श्याम सुंदर, वे भी मिल रहे हैं। दोनों के हस्तकमल एक दूसरे से मिल रहे हैं। अरे औरों की बात छोड़ो, यहाँ ठाकुर जी को पीरो पटका और श्री जी की गुलाबी चुनरी भी एक दूसरे से मिल रही है। और इन सबन के बीच में उर्जे पड़े हैं श्री बिहारिंद दास जी। ऐसे उर्जे 3 दिन तक दातुन करते रहे यमुना जी के तट पर बैठे बैठे, और 3 दिन तक वहां निधिवन राज में बिहारी जी के दर्शन ही नहीं हुए। क्यों? बिहारी दास जी सेवा करते थे और वो 3 दिन से वहीं यमुना पुलिन पर बैठे, अब प्रकट वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णवों का प्राण धन है ये पद। दातुन करते 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 और इस रूप का दर्शन, इस माधुरी, इस अद्भुत भाव का दर्शन, भाव साम्राज्य में प्रवेश कर गए। 3 दिन में अविरल रक्त धार मुख से बहने लगी, कपड़ों पर होते हुए वो धार बहती हुई यमुना जी में जाकर के मिल गई। कुछ वैष्णव यमुना में स्नान करने के लिए गए आगे घाटों पर, उन्होंने देखा कि यमुना जी में रक्त की धार कहां से आ रही है। उसके पीछे पीछे जाकर के देखा तो देखा बिहारिंद दास जी मुख में दातुन कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधार, मुख से रक्त धार। कुछ हरिदासी परंपरा के वैष्णवों ने आकर के कान में कहा, कुंज बिहारी श्री हरिदास। जब स्वामी जी का नाम सुना तब चेतना आई, नेत्र खोल करके देखो, बोले अरे इतनो सवेरो है गो, अरे भैया मैं तो अभी स्नान ना कियो, बिहारी जी के श्रृंगार भी ना किए। वैष्णवों ने रोका, बोले बिहारी दास जी आप कब बैठे थे यहाँ पे? बोले अभी अभी सवेरे भोर में आयो, दातुन कर रहो, स्नान कर, अब जाऊं, अब क्षमा कर दियो, एक विलंब है। विलंब 3 दिन हो गए आपको, आप 3 दिन से बैठे हो यहाँ पर, 3 दिन से बिहारी जी भूखे प्यासे सैन सैया पे लेटे हैं, उनके श्रृंगार ही नहीं हुआ, दर्शन ही नहीं हुआ, भोग भी नहीं लगा। तब बिहारी दास जी गए और बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, अब मैं सेवा नहीं कर सकता, मैं समझ गया नाथ आप मुझे वो अप्रकट वृंदावन क्यों नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि फिर मैं आपका नहीं रह पाऊंगा, आपकी सेवा में फिर मैं नहीं आ पाऊंगा, नाथ क्षमा करो, अब तो उस अप्रकट वृंदावन में ही रहना है। और श्री बिहारी दास जी उस अप्रकट वृंदावन में प्रवेश कर गए। बंधुओं, भक्ति की ठौर कहां है? हम सेवा कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम कथाएं सुन रहे हैं, हम तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, इन सब का अंत कहां है? हम ब्रजवासियों से पूछो तो वही अप्रकट वृंदावन, वो हमारी ठौर है। हमें लाल जी सदा ऐसे ही मिलते हैं सुबह, मैं कई बार लाल जी से प्रार्थना करके सोता हूं, रात्रि में शयन कर, मैं लाल जी कल सुबह ऐसे मिली हूं, कोई को नहीं बताऊंगा, मैं किसी से नहीं कहूंगा, सुबह जब उठाऊं तो ऐसे मिल जाइयो, फिर भले ही ऐसे आ जाइयो, एक बार तो अनुभव करा। कभी एकांत में ठाकुर जी के पास बैठे होते हैं, लाल जी से कहें, लाल जी थक गए होंगे, हार गए होंगे, पौड़ जाओ, मैं किसी से नहीं कहूंगा, आप लेट जाओ थोड़ी देर। जिस दिन वो स्थिति, अभी वो स्थिति नहीं आ रही, इसका मतलब हम चूक कर रहे हैं कहीं पर। जिस दिन वो स्थिति आ जाए, समझना बस अब हमारी ठौर है, यही हमारा सर्वस्व। ऐसे हमारे श्री बिहारी दास जी, ये पद मैं गाता हूं, मेरा रूम रूम आनंदित हो जाता है। तब से हमारे बिहारी जी फिर गृहस्थियों की सेवा में आ गए, क्योंकि भैया ये विरक्तों के तो कोई पतो ना है कब कहां चले जाए, बिहारी जी बेचारे कहीं भूखे प्यासे बैठे रह जाए, इनकी कब भाव समाधि लग जाए का पतो। कम से कम गृहस्थी अगर एक भाव साम्राज्य में गया तो दूसरा तो कर लेगा ना सेवा,
बस इसलिए बिहारी जी की सेवा ऐसे गृहस्थियों में आई। बंधुओं आपको पता है हमारे यहाँ बिहारी जी कृष्ण को ना कहे, श्री किशोरी जी को बिहारी जी कहे। हाँ यहां पर बिहरत लाल बिहारिणी दो, श्री किशोरी जी को बिहारिणी कहे, बिहारी जी एक प्रकार से किशोरी जी को कहते हैं हरिदास परंपरा के वैष्णव। सब जगह भैया बात तो वही है, हमारे माई श्यामा जी को राज, श्री किशोरी जी जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सरताज।